बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली वीडियो के अंदर हमने एक एटीएम बनाई थी जिसके अंदर हमने ये तीन फंक्शन जो है ना अप्लाई किए थे, चेक बैलेंस, चेक विदड्रा एंड कैश डिपॉजिट। तो आज की वीडियो के अंदर हम उसी एटीएम को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर एक नया फीचर जो है ना वो ऐड करेंगे कैश ट्रांसफर का। मेन क्या, हमने एक एटीएम कार्ड से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर अगर कैश कैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो वाला जो है ना समझने के हम एक मेथड जो है ना इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि हम क्या हमारा कैश जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर इक्लिप्स के ऊपर। तो ये मेरा जो पिछले वाला प्रोग्राम है इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये सही तरह वर्क कर रहा है। ठीक हो गया जी, यहाँ पर देखें जी हम इसको करते हैं तो ये देखें जी, इसने कह दिया जी कि आपका जो बैलेंस है वो है जी 1000। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर स्टूडेंट हमने जो है ना ऐड करना है कैश ट्रांसफर का, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक और प्राइवेट डाटा मेंबर लेना पड़ेगा और उसको हम नाम देते हैं पिन कोड। जी नहीं जी, और जब हम बनाएंगे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर तो यहाँ भी हम जो है ना पिन कोड जो है ना उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट पिन कोड इज इक्वल टू ये वाला पिन कोड इसके अंदर। ये हमारा कंस्ट्रक्टर अब कंप्लीट हो गया जी। अब उसके बाद जो है ना हम करते हैं इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसफर का मेथड जो है ना यहाँ पे एक बना लेते हैं यहाँ पे। ये नहीं जी, पब्लिक उसको नाम देते हैं बुलियन और यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएगी। एक तो हम जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आ जाएगी, एक हम एक समझ लें कि मेथड बना लेते हैं यहाँ पे जो रिसीवर होगा और उसके बाद यहाँ पे पिन का कोड दे देते हैं। ये अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इफ अगर तो हमारा पिन इज नॉट इक्वल टू दिस डॉट पिन, जो हमारा यहाँ पे पिन है अगर उसके बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैसेज, एक रिटर्न फॉल्स। और अगर वो पिन कोड जो हमारा ठीक है यहाँ पे ये तो यहाँ पे आ जाएगा बुलियन, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं सक्सेस का और यहाँ पे कहते हैं दिस डॉट विदड्रॉ, यानी कि यहाँ पे विदड्रॉ का मैसेज जो है ना सॉरी मेथड जो है ना वो कॉल कर देंगे और उस अमाउंट को पास कर देंगे साथ में और साथ में हम इसको पिन भी दे देंगे। तो और साथ में हम यहाँ पे करते हैं सेमी कॉलन, यानी कि हमने वो जो है ना मैं एक वेरिएबल ले लिया बुलियन का सक्सेस के नाम से, हम साथ में जो भी मेथड जो है ना यानी कि जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे वो क्या मैं जो है ना अमाउंट जो है ना वो विदड्रा भी होनी चाहिए, उसमें से माइनस भी हो जानी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें विदड्रा का जो हमारा है मेथड है इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें इंट पिन के नाम से एक यहाँ पे लेना पड़ेगा और यहाँ भी हमें एक मेथड और बनाना पड़ेगा, इफ क्या है जी यहाँ पे आ जाएगा पिन इज नॉट इक्वल टू दिस डॉट पिन कोड, तो यहाँ भी मैसेज क्या आ जाएगा रिटर्न फॉल्स। ठीक हो गई, बाकी इसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आ जाएगा। ये इसके बाद हम कह देंगे इफ अगर तो हमारा सक्सेस ट्रू है तो यहां पे क्या आ जाएगा रिसीवर, यानी कि ये वाला जो हमारा रिसीवर है मेथड है ये आ जाएगा और डॉट क्या आ जाएगा डिपॉजिट,
और इसके अंदर वो अमाउंट आ जाएगी। और उसके साथ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, और उसके बाद अगर ये सक्सेस नहीं है तो एल्स पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इस कोड को समझा भी देता हूँ। ये लो जी, अब आ जाते हैं जी हम अपने मेथड के, जैसे हम पास करेंगे तो यहाँ पे हम कोई पिन देते हैं, मैं पिन देता हूँ 1 2 3 4, आप कोई भी दे दे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चॉइस और ले लेते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 पे हम कर देंगे ट्रांसफर, ट्रांसफर, और 5 पे हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ये नहीं जी, 1 2 3 4 पे हम यहाँ पे इसको 5 पे ले जाते हैं एग्जिट को, और यहाँ पे हम एक 4 का जो है ना केस बना लेते हैं, केस 4, और उसको जो है ना हम यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा एंटर द अमाउंट टू ट्रांसफर। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं और टी एस अमाउंट, ट्रांसफर अमाउंट के नाम से, और इसको यहाँ पे इनपुट स्कैनर का जो हमने मेथड लिया हुआ था उसके अंदर हम जाके यहाँ पे जी जो भी हम अमाउंट यहाँ पे इनपुट कराएंगे वो इसके अंदर ट्रांसफर अमाउंट के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना इसका पिन कोड दे देंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पे आ जाएगा एंटर एंटर द रिसीवर पिन कोड, और उसके बाद आ जाएगा इंट रिसीवर आर पिन, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल टू वो हमारा आ जाएगा ये जी, यानी दो चीजें हम यहाँ पे इनपुट करा देंगे, एक अमाउंट जो हमें ट्रांसफर करनी है वो, एक हम यहाँ पे जो हमारा पिन कोड होगा उसको हम यहाँ पे इनपुट करवा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं रिसीवर के नाम से, रिसीवर इज इक्वल टू न्यू ATM, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इनिशियल अमाउंट, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, और यहाँ पे रिसीवर का यहाँ पे पिन जो है ना साथ में हम सेट कर देते हैं जी, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं जी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जी बुलियन, यहाँ पे ट्रांसफर सक्सेस के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू ATM डॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांसफर अमाउंट। अब ट्रांसफर अमाउंट का जो मेथड हम कॉल करेंगे इसके अंदर 3 वेरिएबल आ जाएंगे, एक ट्रांसफर अमाउंट आ जाएगी, एक रिसीवर आ जाएगा, और तीसरा हमारा आ जाएगा यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा जी जी, एंड पे सेमी कॉलन। उसके बाद यहां पे आ जाएगा इफ, अगर तो हमारा ट्रांसफर सक्सेस जो है ना वो ट्रू है, यहां पे ये ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे आ जाएगा ट्रांसफर सक्सेसफुल, नहीं तो एल्स यहां पे आ जाएगा
कोई भी यानी कि आप मैसेज कर देंगे यहाँ पे कि आपका पिन नंबर सही नहीं है या आपका वो कहते हैं जी इनवैलिड पिन और इनसफिशिएंट बैलेंस। ये और एंड पे यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, इसको चेक कर लेंगे एक दफा। 64 नंबर लाइन पे एरर आ रहा है जी। यहाँ भी आपको यहाँ पे पिन वन टू थ्री फोर नाइन्टी फोर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम टेस्ट ऑन एट बैंक। ये वाला सेमी कॉलन ये लें जी। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले जो है ना यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेते हैं। ये बैलेंस हमारा कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर लेते हैं जी 4000। ये लें जी यहाँ पे 1 करके इसको चेक कर लेते हैं, बैलेंस हमारा 5000 आ गया जी। अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं जी नंबर 4, वो कह रहे हैं एंटर द अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र 2000 पिन कोड 1234। तो ये देखें जी ये मैसेज आ गया ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। अब हम यहाँ पे बैलेंस चेक करते हैं तो यहाँ बैलेंस देखें 3000 आ गया। इस तरह हमारी अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गई है। अब स्टूडेंट हम चाहते हैं कि जैसे हमारा रिजल्ट जो है ना शो होने के बाद ये वाला मेन्यू जो है ना वो शो हो, तो हम यहाँ पे एक जो है ना वो कमांड लगाते हैं, ऊपर एक मेथड जो है ना वो बना लेते हैं यहाँ पे बना लेते हैं। ये यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जी पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड वेट फॉर एंटर। वेट फॉर एंटर यानी कि वेट करेगा और उसके बाद एंटर करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारा इनपुट स्कैनर, यहाँ पे बल्कि हमने वो मेथड नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे इनपुट स्कैनर वाला मेथड यानी इसको उठा के हम ऊपर कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट यहाँ पे लाइन। ये जी अब इस जो मेथड है क्योंकि ये हमारा स्टैटिक है इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती कॉल करने के लिए, तो अगर ऑब्जेक्ट बैलेंस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले ये जी हर के बाद ब्रेक से पहले हम इसको इम्पोज कर लेते हैं। ये जी ये इसी तरह हम इसको भी ये उससे ऊपर जाते हैं जी एंड पे सेमी कॉलन, ये यहाँ भी एंड पे सेमी कॉलन, और इसको भी यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन। ये नंबर 1 ये देखें योर बैलेंस इज
1000। अब यहाँ पे रुक गया, जैसे हम एंटर करेंगे तब वो नया मेन्यू पे आएगा। अब इसके अंदर करते हैं, मैं 3 करता हूँ डिपॉजिट, एंटर डिपॉजिट अमाउंट, ये नहीं 3000, इसने क्या डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गया। एंटर करूंगा तो फिर दोबारा मेन्यू पे आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर जाना चाहता हूँ, दोबारा व्यू करता हूँ इसका बैलेंस, तो ये देखे 4000 आ गया। एंटर करता हूँ, अब मैं कैश विदड्रा करता हूँ यहाँ पे, सॉरी 2 करता हूँ, तो यहाँ पे देखे अमाउंट मैं कहता हूँ ये नहीं जी 3000, तो ये सक्सेसफुली हो गई है। एंटर करके दोबारा वो मुझे यहाँ पे ले आएगा। अब बैलेंस चेक करना चाहता हूँ तो बैलेंस मेरा 1000 है। दोबारा फिर हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, 3 पे जाते हैं और यहाँ पे मैं 5000 और डिपॉजिट करा देता हूँ, और यहाँ पे नंबर 1 करके बैलेंस चेक करते हैं। तो ये 1000 आ रहा नहीं, दोबारा डिपॉजिट पहले देखते हैं जी, डिपॉजिट योर चॉइस, ये क्या, ये 3 पे भी इसको दोबारा चेक करेंगे, नंबर 3 एंटर द अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली 5000, इसके बाद ट्रांसफर, ये ट्रांसफर पे आ जाए, मैं करता हूँ ये 3000, एंटर पिन कोड 1234, ये लीजिए ट्रांसफर हो गई है। व्यू बैलेंस करते हैं तो वो 2000 ही हमारे पास रह गया, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं जिसको हमने किया क्या है, तो हमने सिर्फ एक यहाँ पे ट्रांसफर का जो मेथड जाना उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ये हमारा मेथड था। ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखें। अब इसके अंदर मेथड बनाया ट्रांसफर का, उसके अंदर 3 चीजें पास कर दी, एक अमाउंट जो अमाउंट और रिसीवर का, यानी कि एक मेथड ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया जिसको नेम रिसीव करनी है, और पिन कोड। अगर तो हमारा पिन कोड 123 जो हमने ये इनिशियल दिया हुआ है वो ठीक है तो ये वाला काम यानी कि मल्टी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज ये मैसेज कर देगा फॉल्स का। और उसके बाद हमने एक सक्सेस का मेथड कॉल कर लिया, जो भी अमाउंट हम देंगे वो इसमें से यहाँ पर आपके अकाउंट में पड़ी हुई है वो विड्रा हो जाएगी, और वो और साथ में पिन कोड हम सेंड कर दिया, और जैसे हम वो विड्रा करेगा तो हमारे असल अमाउंट में से जो ये जितनी अमाउंट हमने ट्रांसफर कर रहे हैं वो इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर ये सक्सेसफुली होगी है ये समझे विड्रा वाली, तो ये क्या करेगा, रिसीवर डॉट डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि जो रिसीवर है हमारा उसको जो है ना अमाउंट जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगी, और रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, नहीं तो उसको क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब जब मेथड कॉल हो रहा है विदड्रॉ का, तो उसके अंदर भी हमने दो चीज़ें शामिल कर दी, एक अमाउंट और एक हमने क्या कर दिया, पिन कोड कर दिया। अगर हमारा पिन कोड जिस पिन कोड के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और बाकी आपको पहले पता उसमें माइनस कर देगा। फिर हमने जब उसको मेन्यू बनाया, 5 मेन्यू बना लिए, 1 2 3 4 5, 1 पे व्यू मैसेज बैलेंस है, 2 पे विदड्रॉ है, 3 पे डिपॉजिट है, 4 पे ट्रांसफर आ जाएगा। तो जैसे हम 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, कि दो चीज़ें हमने यहाँ पे इनपुट दे दी है, एक अमाउंट ट्रांसफर जो हमने करनी है, दूसरा हमने रिसीविंग कर रिसीवर का जो है ना पिन कोड जो है ना हमने उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है रिसीवर का, जिसको हमने वो अमाउंट जो है ना वो डिपॉजिट करवानी है, और उसको भी दो चीज़ें कर दी हमने पास कर दी हैं, एक 0 उसका बैलेंस और साथ में इसका जो है ना वो क्या कहते हैं पिन कोड जो है ना आपका वो आ जाएगा। और उसके बाद बुलियन का वेरिएबल ले लिया, अगर तो ये काम ट्रांसफर वाला सक्सेसफुली होता है कि वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा, तो क्या करेगा, ये मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया, अदरवाइज ये मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है ना वो कोई चीज़ गलत है। जैसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये नहीं जी, अब देखें जी मैं यहाँ पे करता हूँ जी ट्रांसफर, मैं कहता हूँ जी अमाउंट में 3000 का दाखिल, मेरे अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है 1000 पड़ी हुई है, देखें एंटर पिन कोड 1234, तो ये देखें इसने कह दिया इनवैलिड पिन ओवर इनसफिशिएंट बैलेंस, कोई मसला आ रहा है इसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये कोड जो है ना मैं इसके वीडियो के समझने डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर डाल दूंगा, वहाँ पे आप जो है ना इसका कोड को कॉपी करके आप अपने जो है ना कंप्यूटर के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर, यानी कि कॉपी करके पेस्ट करके एडिट वगैरह करके उसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, तो नेक्स्ट